लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम। तो हम हॉबीस्ट कभी ना कभी इस स्टेज पे जरूर पहुंचते हैं जब हमें एक लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम बनाना होता है। तो ये एक लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम है जो मैंने एक महीना पहले बनाया था। मैंने 3 साल पहले एक प्लांटेड एक्वेरियम बनाया था जो लोटेक था, और वो लास्ट ईयर ही एक्चुअली मैंने उसे डिसेंबल किया, क्योंकि पिछली बार जो मेरा एक्वेरियम था उसमें मैंने सॉइल बहुत कम यूज़ की थी, क्योंकि सॉइल एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट रहता है और आपको पता ही है वो भी कितनी एक्सपेंसिव है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं 1 kg के आसपास एक्वा सॉइल लेके आया था, और जैसा कि आप इस टैंक में देख रहे हो, मैंने जो चाय वाले मिट्टी के जो कप होते हैं उनको यूज़ किया था, उसमें सॉइल डाल के मैंने उसमें बेसिक प्लांट लगाया था अपना, तो वो कुछ इस तरीके से ब्लूम कर रहा था। तो ये एक्चुअली 1.5 साल रहा, उसके बाद धीरे धीरे प्लांट एक्चुअली पुराना हो गया एंड एल्गी बहुत ज़्यादा आ गई, तो उसके बाद मुझे इस टैंक को क्लीन अप करना पड़ा। इसमें मैंने एक्वा सॉइल बाई की हुई है, तो जो मुझे 2000 के आसपास का एक्सपेंस पड़ा था। तो ज़रूरी नहीं है आप इतना एक्सपेंस करें, आप कम में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत चीज़ें लर्न करेंगे एज अ होबिस्ट, और धीरे धीरे आप उसमें मैच्योर हो जाएंगे। तो आज हम इसी टैंक का मेकिंग देखने वाले हैं। ये 1 month पहले एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैं इसे क्रिएट कर रहा था, और आज मैं एक्चुअली वीडियो रिलीज़ करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि मैंने किस तरीके से इस टैंक को बिल्ड किया, और क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं एक लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के लिए। तो लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम में बेसिकली CO2 नहीं होती है, और एक्वा सॉइल भी आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हो, और जो फर्टिलाइजर्स आते हैं चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर कैप्सूल फर्टिलाइज़र, तो आप उसको भी यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली एक चीप एंड कॉम्पैक्ट आप प्लांटेड एक्वेरियम बनाने की कोशिश करते हो, लोटेक उसी को लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं होता कि हम बहुत सारे पैसे एक साथ किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, तो इसलिए हम लोटेक से स्टार्ट करते हैं ताकि हम धीरे धीरे उसको लर्न कर सकें। तो इसमें मैंने अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ, तो इसमें एक तो मेरी एक्सपेंसिव चीज़ एक्वा सॉइल है जो 2000 के आसपास पड़ी थी, और दूसरा एक्सपेंसिव कंपोनेंट मेरा फिल्टर है बेसिकली सुन का। मैंने एक्चुअली अभी हैंगन बैग फिल्टर कैनिस्टर फिल्टर ऑर्डर किया, ये भी एक्चुअली 2300 के आसपास पड़ा। तो आपको एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी है, आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोबो का कोई भी छोटा इस टाइप का फिल्टर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा एक्सपेंसिव फिल्टर चाहिए। बट मैं एक्चुअली 3 साल से इस हॉबी में हूँ, तो अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा मनी एक्चुअली पुट इन कर रहा हूँ अपनी हॉबी में, सो दैट मैं और ज़्यादा सीख सकूँ। इसकी वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने इसको बिल्ड किया है। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेटअप एंड इसी का रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको वो देखना है कि इसको किस तरीके से सेटअप करना है और ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए या फिर या आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बनाना क्या है। उसका सबसे ईजी तरीका होता है कि आप एक फ़ोटो ले लीजिए और उस फोटो पर ड्रॉ कर लीजिए आपको जो भी डिज़ाइन या पैटर्न या एक्वास्केप बनाना, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, इतने सारे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो मेरा कौन सा बेसिकली ये है कि मैं अपनी एक ड्रिफ्ट वुड यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरी पुरानी ड्रिफ्ट वुड है, इसे मैंने पिछले टैंक में भी यूज़ किया था, और इसी को मैं यूज़ करके अपना एक्वास्केप बनाने वाला हूँ। तो इसमें मेरा इस ड्रिफ्ट वुड के आगे मैं अपना सैंड रखूँगा और इसके पीछे मैं अपनी सॉइल रखने वाला हूँ। तो इसके साथ मुझे एक और वुड ऐड करनी है, तो ये दोनों वुड एक्चुअली मेरे लोकल में एक रिवर है, तो उस रिवर से मुझे मिल गया था। बेसिकली इसमें मोस्टली जो एक्वा सॉइल के अलावा जो भी है वो सब मेरा लोकल नेटिव सराउंडिंग से मैंने कलेक्ट किया हुआ है, मैं कुछ भी बाय करके नहीं लाया, क्योंकि आप अगर लोटेक एक्वेरियम बना रहे हो तो आप बाय करके मुश्किल ही कोई चीज़ लेके आओगे। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली मैंने लोकल हैबिटेट से पिक किया है, जैसा मैंने आपको बताया रिवर से, बट आप डायरेक्टली रिवर से या ओपन एनवायरनमेंट से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अपने टैंक में, उसके लिए आपको प्रोसेस करनी पड़ती है हर चीज़। तो प्रोसेस करने के लिए आप इसको बॉईल कर सकते हो 1 से 2 बार, और अगर वुड है तो उसको सबमर्ज करके रख सकते हो एटलीस्ट 2 दिन। तो इससे एक कोई भी ओपन एनवायरनमेंट वाली चीज़ टैंक में ऐड करने लायक हो जाती है। तो ये जो सैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी एक्चुअली लोकल नेटिव से ही मैंने कलेक्ट की हुई है, जैसे मैंने आपको बताया रिवर से। तो मैंने इसको इसमें बहुत ज़्यादा जो फाइन पार्टिकल थे उसको छान लिया है,
एक छन्ने की वजह से मदद से, और बाकी का जो थोड़ा मोटा सैंड बचा है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए भी मैंने एक्चुअली इसको बेक किया। आप चाहे तो बॉईल भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। कुछ लोग बॉईल करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको बेक किया। बेक करने के लिए आप नॉर्मल किसी भी कुकर या कोई बर्तन में इसको थोड़ी 15 मिनट के लिए गर्म कर सकते हो, एंड देट विल बी फाइन। तो मैं इसके आगे एक्चुअली अपना सैंड रख रहा हूँ, और इसके पीछे मैं अपना सोया डालूँगा। तो अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें लाइट कौन सा यूज़ करें, तो आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हो। मिनिमम 5, अगर आप प्लांटेड रख रहे हो लो टेक, तो मिनिमम 5 वॉट और मैक्सिमम आप 12 वॉट तक जाओ। मैं सजेशन आपको 12 वॉट का ही दूंगा, क्योंकि 12 वॉट से जब आप ऊपर जाओगे तो आप बहुत चांसेस हैं कि एल्गी ब्लूम हो जाए, क्योंकि प्लांटेड में जब आप बहुत चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाते, और अगर लाइट ज़्यादा है, एक्सेस लाइट मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पूरे टैंक में एल्गी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से स्टार्ट करें और फिर आगे बढ़ें। और अब सॉइल, मैं एक्चुअली एक्वा सॉइल की यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक्वा सॉइल पूरा बैग बाई किया है मैंने, तो उसके साथ आपको फर्टिलाइज़र भी मिलता है। ये फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाला हूँ। आपको शायद फर्टिलाइज़र ना मिले अगर आप लूज़ एक्वा सॉइल बाई करोगे, तो कोई उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप नॉर्मल भी एक्वा सॉइल यूज़ कर सकते हो, या आप जो भी सॉइल यूज़ कर रहे हो बिना फर्टिलाइज़र के भी वो चल जाएगा। बस सॉइल में फर्टिलाइज़र होना चाहिए, ठीक है, सॉइल बिना फर्टिलाइज़र वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें इनबिल्ट सॉइल में भी फर्टिलाइज़र कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आप जो भी सॉइल यूज़ कर रहे हो, बस ये मेक श्योर करें कि उसमें न्यूट्रिएंट्स हों, वो बिना न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल ना, जैसे सैंड ना हो, क्योंकि उसमें प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे ना। तो अब हम एक्चुअली फटाफट से इसमें सॉइल डाल लेते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखें कि सॉइल को आगे से पीछे की तरफ एक्चुअली आपको स्प्रेड करना है। मतलब जो सॉइल का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सबसे कम हाइट देनी है और पीछे की तरफ स्प्रेड करना है। तो मेरे टैंक में मैंने जो सबसे स्टार्टिंग में सॉइल की हाइट है वो अराउंड 1.5 इंच के आसपास ही है, बट जैसे जैसे आप उसे पीछे देखेंगे वो एक्चुअली 4 and 4.5 इंच तक जा रही है। तो पीछे हाइट रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप दूर से या सामने से, जैसे अभी आप इसको सामने से देख रहे हो, तो जो पीछे का सबसे लास्ट वाला एरिया होता है वो आपको नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉर्मल एरिया से उठा हुआ दिखता है। तो आपको सामने से वो चीज़ एक्चुअली हाइट पे दिखती है, तो एक अच्छा व्यू रहता है टैंक का। अगर आप इसको सबको बैलेंस या एक लेयर पे कर देंगे एक ही हाइट पे, तो आपको पीछे वाली चीज़ उतनी क्लैरिटी से या उतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखेगी। तो आप कोई, जब भी आप एक्वास्केपिंग की कोई क्लास या कोई वीडियो देखोगे, तो सब लोग पीछे की साइड इसीलिए हाइट रखते हैं ताकि सामने से अच्छा व्यू आए। और पीछे मोस्टली बैकग्राउंड प्लांट्स होते हैं जो हैवी रूट्स के साथ आते हैं, राइट, तो उनको ज़्यादा सॉइल चाहिए होती है। तो अब हम थोड़ा सा मिस्ट कर लेंगे, जब हमने अपना पूरा एक्वास्केप प्रिपेयर कर लिया, अब हम थोड़ा सा मिस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सेटल सॉइल भी सेटल हो जाए, क्योंकि सॉइल पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं तो इधर उधर हिलते रहते हैं। तो अब हम अपनी प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं मिस्ट करने के बाद। तो पहला प्लांट जो मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा है ब्राज़ीलियन माइक्रोसॉट बोलते हैं इसको। तो ब्राज़ीलियन माइक्रोसॉट बेसिकली कारपेट प्लांट होता है। तो ये इजी टू मॉडरेट हार्डनेस और इजी टू मॉडरेट टैंक के लिए चल जाता है। अगर आपके पास CO2 नहीं है तो ये उतना ग्रो नहीं करेगा। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको बाय करो। मेरे पास एक्चुअली ये था, मेरे फ्रेंड से मैंने लिया था, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास सॉइल है और मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाला हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास सॉइल नहीं है उस क्वान्टिटी में जितनी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ना यूज़ करें ये। इसके साथ मैं एक्चुअली ड्राफ्ट हेयर ग्रास भी यूज़ करूँगा, वो एक्चुअली मेरे ही पुराने टैंक में से थोड़ा सा पीस था, बचा हुआ था, तो उसको भी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। एक चीज़ और, बहुत लोग पूछते हैं कि इसके बाद फिश कौन सी ऐड करें। मैं लास्ट वीडियो में देख रहा था कि वो फिश का सजेशन मांग रहे थे कुछ लोग, तो मैंने उनसे जब पूछा कि कब टैंक आपने परचेज़ किया है, तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन पहले ही खरीद के लाएँ। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिए, एटलीस्ट एक वीक तक कोई फिश ऐड मत कीजिए अपने न्यू टैंक में। आप चाहे उसको लो टेक रखें, चाहे उसको आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ रखें, चाहे बिल्कुल प्लांटेड रखें या हाई टेक रखें, प्लीज़ एक हफ्ते से पहले कोई फिश उसमें ऐड मत कीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल बनने के लिए एटलीस्ट एक वीक चाहिए होता है प्रॉपर एक टैंक में। बहुत सारे वैसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं कि वो आपको इंस्टेंट नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट कर देते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया आता है, बट एज अ बिगिनर मैं उसे सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि
हम लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए वो ना ले जाएं। दूसरा प्लान जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये क्रिप्टो कोराइन है, ये भी मेरे पुराने टैंक से ही है और आप देख सकते हैं इसकी रूट कितनी लंबी हो गई है। एक्चुअली ये बहुत टाइम से ग्रो कर रहा था तो मैं इसकी रूट कट कर दी है इसलिए ताकि ये सही से ग्रो पक कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रूट तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। तो मैं 3 क्वांटिटी में क्रिप्टो कोराइन ऐड कर रहा हूँ। ये एक बिगनर प्लांट है और ये हर कंडीशन में चल जाता है, मोर और लेस आपके पास सॉइल हो तो। अगर आपके पास सॉइल है तो आप क्रिप्टो कोराइन बड़े इजीली बाय कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे बाय कर लीजिए क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और ये चल जाता है। तीसरा प्लांट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है वाटर विस्टीरिया। ये वही प्लांट है जो आपने मेरे पुराने वाले टैंक में देखा। ये एक प्लांट अगर आप मुझसे पूछें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो यही रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छी डेप्थ देता है। और फोर्थ हम मेरी मनपसंद जावा फर्न यूज़ कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, अगर आप फर्न के साथ या राइजोम बेस्ड किसी भी प्लांट के साथ काम कर रहे हैं तो राइजोम सॉइल के अंदर नहीं जाना चाहिए। लास्ट प्लांट जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो उसका नाम एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैंने एक क्रिप्ट कैटेगरी का प्लांट मंगाया था बट वो एक्चुअली सेलर के पास नहीं था तो उसने मुझे आई डोंट नो ये कौन सा प्लांट है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता और उसने बताया था तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये उसने मुझे 2 क्वांटिटी में भेज दिया तो इसको भी मैं बस ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ। फिल्टर में इसमें अगर आप फिल्टर के बारे में पूछें तो इसमें मैं फ़िल्टर नॉर्मल पावर एफ फिल्टर यूज़ करने वाला हूँ। आप मैंने जो स्टार्टिंग में बताए थे उनमें से कोई भी फिल्टर चूज़ कर सकते हैं, बट ये याद रखें आप बजट से ज़्यादा बेस्ट फिल्टर ही चूज़ करें। कभी फिल्टर में बजट कंस्ट्रेंट मत लाइएगा। आपका जो भी बजट है, आप जो भी बजट के साथ चल रहे हैं उसमें बेस्ट फिल्टर जो भी आ रहा होगा वो बाय कर लीजिएगा। आप इसमें वाटर फिल करते हैं और लेट्स सी ये कैसा सेटअप हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल के लिए और मेरे लिए ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।